अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब शाह और आप देख रहे हैं शाह क्रिकेट न्यूज़। तो आज जो मैं वीडियो आपके सामने पेश करूंगा वो हाई पाकिस्तान की सेमीफाइनल में क्वालिफिकेशन की अपडेट्स कि वो किस तरह क्वालिफिकेशन कर सकता है सेमीफाइनल में। तो सबसे पहले मसला नंबर वन के पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जीत जाए और न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच हार जाए तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये हुआ मसला नंबर एक। मसला नंबर दो, पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जीत जाए, न्यूजीलैंड भी अपना आखिरी मैच जीत जाए तो फिर रन रेट पर फैसला किया जाएगा कि कौन सेमीफाइनल खेल सकता है। तो मसला नंबर तीन, न्यूजीलैंड के आखिरी मैच में बारिश के 80% इम्कान हैं। अगर न्यूजीलैंड का आखिरी मैच बारिश की नज़र हो गया तो पाकिस्तान को अपना मैच जीतना होगा तो फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। तो मसला नंबर चार, अगर मसला नंबर वन या मसला नंबर तीन सच हो जाए तो फिर कोई मसला ही नहीं है, यानी कि पाकिस्तान को अपना मैच जीतना लाजमी है। तो ये थी पाकिस्तान की सेमीफाइनल की क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ मसले। अगर न्यूजीलैंड अपना मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान को फिर इंग्लैंड से भारी मार्जिन से मैच जीतना होगा, यानी कि अगर न्यूजीलैंड अपना मैच 25 रन से जीतता है तो पाकिस्तान को 150 रन से जीतना होगा, और अगर वो 35 रन से जीतता है तो पाकिस्तान को जो मैच है ना वो तकरीबन 250 रन से जीतना होगा, या 15 या 21 ओवर में या 25 तक मेरे ख्याल में चेसिंग लाजमी होगी। तो यह है कुछ इस तरह का सुनहरियो कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक क्वालिफिकेशन कैसे बनती है। तो यह थी वीडियो आज की। तो अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद देखते रहिए शाह क्रिकेट न्यूज़।